हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे आज हम बहुत सारे लेवल्स देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, US 30 देखेंगे। रीजन US 30 देखने का, ओपन भी हो गया होगा डाउ जोन्स अभी तक। और साथ ही साथ कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे। स्विंग स्टॉक्स नहीं है, स्विंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले US 30 देखते हैं। जो US 30 के पहले डाउ जोन्स देखते हैं, जो अभी अभी ओपन हुआ है, ये आपको हाफ दिखेगा, क्योंकि ये जैसे बुलिश मोमेंटम दे रहा है, जैसा कि मेरे को एक्सपेक्टेड था फिलहाल तक के लिए ओपनिंग इसकी, क्योंकि ये इंडेक्स है और ये फ्यूचर्स है उसका, मान के चलो US 30 इज लाइक फ्यूचर। तो इसने जो शेप लिया है, इट्स अ कंप्लीट बुलिश पैटर्न। यू नो, बार बार जाके डिप्स पे इस तरीके से क्रिएट करना, जहां ये लेवल टूटा, इट्स अ पावरफुल ब्रेकआउट टुवर्ड्स अप। तो हमारा मार्केट भी कल इस तरीके का पैटर्न कर सकता है। तो हमने थोड़ा सा US 30 देखा, जस्ट टू सी किस तरीके से हमारा मार्केट कल बिहेव कर सकता है। निफ्टी पे आते हैं, तो निफ्टी के अगर लेवल्स पे आते हैं सबसे पहले, तो निफ्टी ने भी एक बुलिश पैटर्न बनाया है। इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हमको दो टारगेट्स अचीव हो सकते हैं एज पर द प्राइस एक्शन। दोनों टारगेट्स मैंने मार्क करे हुए हैं आपके लिए। सेवन, आपको जो एंट्री करनी चाहिए वो एंट्री कहाँ बनती है वो देखते हैं। पहले मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ। इस लाइन को डिलीट करने के बाद मैं आपको लेवल बना के देता हूँ। ये हमारे वो लेवल बन सकते हैं जिसके ऊपर हमको एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है? तो दिस ऑल्सो कुड बी अ लेवल, बट ये सेफ साइड एंट्री होती है। बट मैं यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज भी निकालूंगा, जो कि एग्जैक्टली उसके पास पड़ रहा है। तो वंस दिस लेवल इज ब्रोकन आउट, तब हम जाके एंट्री कर सकते हैं। टारगेट की बात करेंगे तो प्राइस एक्शन लेवल्स के साथ साथ 200 मूविंग एवरेज भी आपके सामने है, जिस पर हम टारगेट ले सकते हैं। तो अगर मार्केट कल ये चीज लेवल्स को ब्रेक करता है, 17163 के ऊपर जाता है, दिस कुड बी अ ग्रेट टारगेट, फर्स्ट एंड सेकेंड वन। ये ट्रेड मैं खुद भी प्रेफर करूंगा, किसी भी तरीके से ले सकते हैं इसको। तो ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर्स, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ट्रेड इट विल बी। और अगर मार्केट बेयरिश जाता है, तो सबसे पहले ये जो डिप है, ये वाला, यहाँ से मार्केट रिकवर किया था, इसे इसे क्लो तोड़ना पड़ेगा। 6948 के नीचे जब मार्केट डिप करेगा, अपने लिए एक बेयरिश एंट्री स्टार्ट होती है। और मार्केट इतना डिप पे ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर प्राइस एक्शन लेवल में देना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे हम पिवट इंडिकेटर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेम पैटर्न किया है। और क्या है ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये देखो, जैसे ये था, तो ये आज के दिन का लो था, मान लो 11 बजे, 11:15 बजे, 11:15 11 के बाद मार्केट ने ना दिन का लो तोड़ा। लो तोड़ के लेकिन ना उस तो लो को वापस ब्रेकआउट करके ऊपर आ गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। मतलब सेम सिचुएशन इसमें भी बन रही है, यहाँ पे भी मार्केट स्टेप वाइज नीचे जा जाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। या बैंक निफ्टी लुक्स मोर बेयरिश देन निफ्टी, ट्रेड निफ्टी में कर लेना। बट अगर बैंक निफ्टी में करना है तो हमको एक क्विक ट्रेड मिल सकता है इस लेवल्स पे, ठीक है? तो अगर 38644 ब्रेक होता है, तो यहाँ पे एक निफ्टी के पहले ट्रेड ये वाला मिल सकता है मेरे हिसाब से। बट मेरे को लगता है इसके तो गैप अप ही खुल जाएगा, अगर ये जैसा डाउ जोन्स चल रहा है उस हिसाब से। तो दिस इज अराउंड 300 रुपए का टारगेट, फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे भी आप इस टारगेट के अचीव करने के बाद यू कैन ट्राई फॉर 200 मूविंग एवरेज, विच इज नहीं, ये नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी बिग टारगेट, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, 800 पॉइंट्स, 900 पॉइंट्स है, तीन टारगेट हो गए ये। चलो ये परसों तक अचीव हो सकता है, अगर ये मार्केट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता तो, या अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग देता तो गैप अप इस पे ही खुलेगा। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, सेल करने की कंडीशन बनती तो नहीं दिख रही है। फिर भी अगर मार्केट बंद होते होते US मार्केट हो सकता है अगर डिप कर जाए, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए ये तय ये लेवल होगा, ठीक है? अब मैं आपको देता हूँ बायोकॉन और सन फार्मा, एक ही इंडस्ट्री के दो मैं कभी नहीं निकालता, फिर भी निकालना पड़ा, क्योंकि इतना अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, हम छोड़ नहीं सकते। अगर यहाँ पे आएंगे बायोकॉन पे, तो हमें देखने मिलेगा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पैटर्न ओवर हियर, जहाँ पे मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी करके मार्केट ने एक प्राइस एक्शन लेवल को भी तोड़ दिया है। बोलने का मतलब है मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे तोड़ा और उसी लेवल को रिटेस्ट करके, देखो ऐसा आएगा, उसी लेवल को रिटेस्ट करके अभी कंसोलिडेट किया है। थोड़े टाइम, 5 मिनट कर दूंगा तो अच्छे से ज्यादा कैंडल दिखेगी, 15 मिनट पे स्टडी करते, लेकिन फिर भी चलो। अब ये लेवल तो ब्रेक हो गया, अगर मार्केट अपसाइड गैप अप खुलता है, जाना चालू करता है, तो यहाँ पे ये काफी हद तक अपने 200 मूविंग एवरेज को टच करना है। कल सुबह तक ये भी इसको टच कर लेगा। प्राइस एक्शन लेवल गुड टारगेट, ओनली फॉर बुलिश ट्रेड। सन फार्मा वेरी गुड सिचुएशन, बुलिश एंड बेरिश बोथ द ट्रेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, देख रहे हो आप लोग? ओके, ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, टेस्ट में पास हो गया, फिर से टेस्ट करने आ गया, फिर से पास हो सकता है, फेल भी हो सकता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ, राइट शोल्डर नहीं है, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी करके आपको मैं दिखा दूं, हर तरीके से ये जो सिचुएशन है मार्केट की, देखना आप लोग,
अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये बार जहां पे कम होते हैं वहां पे मार्केट स्पीड से गिरता है, ये जो लाइंस जहां पे सबसे ज्यादा हाई होती है, हैवी वॉल्यूम होता है इंडस्ट्री जो होते हैं, तो साइडवेज जाता है, जहां पे कम होते जाते स्मूथ गिरता है, एकदम कम है। अगर ये ब्रेकडाउन होगा बहुत ही स्मूथ होगा, काफी अच्छे से मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है। अगर लेवल टूटता है तो कौन सा लेवल टूटता है एग्जैक्टली, लेवल्स की बात कर लेते हैं। दिस इज द प्राइस एक्शन लेवल ओवर हियर, ठीक है, तो 896 के नीचे क्लोजिंग दी गई है अगर, तो आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो। सन फार्मा में थोड़ा सा स्विंग लेवल, स्विंग तक का टारगेट मिल सकता है, घंटे के टाइम फ्रेम पे काफी हद तक टारगेट मिल सकता है। इंट्राडे वाले थोड़ा कम टारगेट ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट अगर वो बायोकॉन में ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। अगर बायोकॉन भी ऊपर जाता है, ये ब्रेकआउट करता है, तो आपका पहला टारगेट बनता है आपके आज के दिन का हाई पॉइंट, ठीक है, आज के दिन का हाई पॉइंट, ठीक है, इसे 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 ज्यादा रिस्पेक्ट मानेंगे, डिपेंड करता है उतना टारगेट होना चाहिए, कर सकते हैं एकदम क्विक, खुलता है ऊपर जाता है तुरंत कट कर दो पहला टारगेट और ये आपका दूसरा टारगेट बनता है। तो दीज आर दी टारगेट लेवल्स दैट यू कैन ट्राई फॉर सन फार्मा। गोदरेज सीपी, यहाँ पे क्या मार्केट ने ब्रेकआउट करके वापस से लेवल को सस्टेन किया है, बहुत सिंपल क्विक एंड इजी टारगेट हो सकता है 200 मूविंग एवरेज का गोदरेज कंज्यूमर में, ओनली फॉर बाय। सन फार्मा बाय सेल दोनों, बायकॉन ओनली फॉर बाय, हिंदुस्तान पेट्रोलियम परफेक्ट बाय सेल बोथ। इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, सपोर्ट था सपोर्ट था सपोर्ट था, टूट गया फिर मार्केट भाग गया ऊपर, फिर सपोर्ट टूट गया फिर मार्केट भाग गया ऊपर, मतलब कि ये जो एरिया है ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। मतलब कंपेयर करें अगर ऊपर वाले जोन को नीचे वाले जोन से, तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ पे बायर्स हैं। अब अगर ये बायर ब्लास्ट करते हैं 2023 के ऊपर, मार्केट को 2023 के ऊपर लेके जाते हैं, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपसाइड बहुत सा ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है, जिसमें पहला टारगेट मैं बोलूंगा 226 मार्क कर लो, दूसरा टारगेट अभी अलग मार्क कर लो 231 का, 200 मूविंग एवरेज पर जोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो भी मिलेगा, वो रहा बीच में, इससे अच्छा इसे इसे मार्क कर लो, खत्म कर दो। डाउन साइड की बात करोगे तो यूज पिवट लेवल्स, क्योंकि अगर ये नीचे ब्रेकआउट देगा तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट ने कभी भी मार्केट में कैसे करता है, अगर मूव करने के बड़ा मूव आने के पहले वो पक्का कंसिडर किया होता है, तो आपको ये कैच करना है तो आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये हो चुका है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कंसोलिडेशन का। इसी तरीके से मार्केट चलता है, मूव्स कंसोलिडेशन, मूव्स ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट पुल बैक, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, मूव पुल बैक, इस तरीके से मार्केट, बट मार्केट नेवर विल गो अप स्ट्रेट लाइन पे, अप 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 स्ट्रेट पे डाउन, ये नहीं, मार्केट ये ऐसे चलता है। चलो ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स, और मजा आया वीडियो बनाया मैंने, देखने में मजा आया आपका, तो जरूर लाइक कर देना वीडियो, लाइक करने से मेरे को मालूम चलता है कि वीडियो कितना अप्रिशिएट किया गया। कल मैं नहीं बना पाया फिर भी मेरे टीम की तरफ से वीडियो आ गया, वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम एंड यू गाइस, जिन लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, जब भी कोई वीडियो आता है यू गाइस गेट हैप्पी, चाहे मैं हूं या मेरी टीम हो, ठीक है, आपका काम होते रहना चाहिए, द होल एंड सोल पर्पस ऑफ द बूमिंग बुल्स फैमिली। चलो गाइस मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर टुमारो, बिकॉज इट कुड बी अ ग्रेट डे, अगर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी की मेरी बातें सुनी, एंड इफ यू कीप इसको इसको देखते रहना, नीचे जा रहा है पूरे दिन देखना, जब बंद होगा अगर लेवल ब्रेकआउट किया हुआ होगा 30 में डाउ जोन्स, अगर ब्रेकआउट किया हुआ होगा आवर डे इज लगभग लगभग 60% कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो जिसने वीडियो ठीक से देखा उसको समझ में आ गया होगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।